हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए मैं फिर आई हूँ आज नई रेसिपी लेकर। सोयाबीन मैंने लिया है, देखिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम सोयाबीन लिया है। उसको अच्छे से गर्म पानी में मैंने आधा घंटा भिगो कर रखा था। मैंने 2 दिन बाद धोकर उसे अच्छे से मैंने पानी निचोड़ लिया है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 100 ग्राम चने भी मैंने यहाँ पे 7 से 8 घंटा मैंने भिगो कर रखा था। मेरा चना अच्छे से देखिए भिगो भीग चुका है। ऐसे भी हम पानी निकाल लेंगे चना को अच्छे से। मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 300 ग्राम ने मैंने आलू लिया है। उसको भी मैंने एक आलू का 4-4 फाड़े में मैंने काट लिया है। तो देखिए दोस्तों मैं अब सोयाबीन को अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। ये मेरा पहले फ्राई किया हुआ तेल है। मैंने इसमें आलू थोड़ा आलू फ्राई किया था तो मैंने वही तेल का मैं यूज कर रही हूँ। तो मैं इसमें सोयाबीन डाल दूंगी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फ्लेम पर हम सोयाबीन को अच्छे से भूनेंगे लाल होने तक। ऐसे भूनने से क्या है सोयाबीन में आपका एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो थोड़ा सा हल्दी भी दे सकते हैं। मैंने हल्दी नहीं दिया है, मैंने जो आलू फ्राई वाला जो तेल लिया था वो उसी तेल में मैंने आलू फ्राई किया था, इसलिए मेरा हल्दी का कलर आया है। आप चाहे तो हल्दी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल और ले लिया है। अब उसमें हम आलू और प्याज डाल देंगे। फिर हमारा गर्म हो चुका था, उसमें हम आलू प्याज डाल दिए। आलू भी डाल देंगे संग में। आलू प्याज को हम एक संग ही लाल करेंगे। हम फ्लेम को हाई करके आलू और प्याज के संग में ही दोनों को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा आलू और प्याज बढ़िया से लाल हो चुका है। अब इसमें हम चलिए मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। नमक स्वाद अनुसार अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने सोयाबीन में भी दिया था। और हल्दी लिया है मैंने 1 छोटा चम्मच, और यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच। पहले हम सूखे मसालों को डाल देंगे, टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, चने की भी डाल देंगे। चने डालकर हम मसाला को भूनेंगे। हमारा चना जो है अच्छे से पक जाएगा। हम चला देते हैं। मीडियम में मसाला को ऐसे ही भूनेंगे, हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। ढक्कन लगाएंगे तो हमारा आलू अच्छा पूरा गल जाएगी, इसलिए हम लो टू मीडियम में ऐसे ही आलू को पकने देंगे, मसाला को भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 मिनट में लो टू मीडियम में मैंने मसालों को भूना है। अब इसमें सोयाबीन डाल देंगे जो रखा था। सोयाबीन डाल के भी अच्छे से 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम में भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने सोयाबीन भी डाल के अच्छे से मसाले में भून लिया है। सोयाबीन मसाले में डाल के भूनिएगा तो आपको सब्जी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम अपने हिसाब से पानी डाल देते हैं। मेरा मसाला भुना चुका है, अब अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए कि आपको ग्रेवी चाहिए। बनाइए अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से चला लिया है। अब लो टू मीडियम में हम ढक्कन लगा के हमको चना भी अच्छे से पकाना है, इसलिए हम ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट हम लो टू मीडियम में छोड़ देते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारा सब्जी चेक हुआ है अच्छा से हुआ कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हमने 1-2 बार सब्जी को चलाया भी था, ये तो हमारा कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ गया है इसलिए डाल रही थी। तो देखिए दोस्तों देखने से लग रहा है आलू अच्छे से पक चुका है। वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों कितना सारा से टूट गया। बस अब गैस को ऑफ कर देते हैं। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए। आप चाहिए तो ग्रेवी और ये कर सुखा सकते हैं। देखिए हमें चावल के साथ सर्व कर रहे हैं, इसलिए हम इतना ही ग्रेवी रखेंगे। बस अब गैस को ऑफ कर देते हैं। हम रेडी है। हमारा वीडियो पसंद है तो यूट्यूब चैनल लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पेज से देख रहे तो उसको फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।